हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी चैप्टर सिक्स चेंजेज अराउंड अस। ये इस चैप्टर का सेकेंड क्लास है। इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि हमारे चारों ओर जो चेंजेज होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज होता है। कुछ चेंज जो होता है वो नेचुरल चेंज होता है, जो नेचर करता है वो चेंज, और कुछ चेंज जो होता है जो हम खुद भी कर सकते हैं। नेचुरल चेंज में हमने जाना था सीजनल चेंज होना, डे और नाइट का होना, प्लांट का ग्रोथ, ह्यूमन का ग्रोथ, एनिमल्स का ग्रोथ, सब ये सब जो चेंज होता है वो नेचुरल चेंज में आता है। इस पर मैं ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। तो हमारे चारों ओर जो चेंजेज होते हैं उसमें कुछ चेंजेज नेचुरल होते हैं, जिसका कंट्रोल नेचर के हाथ में होता है, और कुछ चेंज जो होते हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं। चेंजेज में हमने टू टाइप के चेंज के बारे में जाना था, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज में हमने जाना था कि वैसे चेंज जिसे हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है बैलून का फूलना। जब हम बैलून को फुलाते हैं, उसमें एयर भरते हैं, तो उसका साइज चेंज हो जाता है। जब हम उसमें से एयर निकाल लेते हैं तो वो फिर अपने पहले वाले साइज में आ जाता है। तो बैलून का फूलना भी एक रिवर्सिबल चेंज में आता है। रिवर्सिबल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया बैलून का फूलना, और टॉय एरोप्लेन जब हम बनाते हैं पेपर को फोल्ड करके, इस पेपर जैसे एक पेपर है उसको हम फोल्ड करके जब हम टॉय एरोप्लेन बनाते हैं, जब हम खेल लेते हैं, तो फिर से इसको हम प्लेन कर सकते हैं। इस पेपर में हम ला सकते हैं, इस एरोप्लेन वाला जो पेपर एरोप्लेन है उसको हम फिर से इस प्लेन पेपर में बना सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, इसको हम भी हम रिवर्स कर सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे चेंजेज है जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हम अगर पेपर को काट के जब एरोप्लेन बनाते हैं, एक पेपर को काट के इस शेप में जब हम ये एरोप्लेन बनाते हैं, तो इसको हम फिर से एक बड़ा पेपर शीट नहीं बना सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज में हम चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। टेबल 6.1 में दिया गया है कि कौन से चेंज रिवर्स है, कर सकते हैं या नहीं। चेंजेज का नाम दिया गया है यहाँ पे, और हमें पूछा गया है कि कैन बी रिवर्स, क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स कर सकते हैं तो हम यस लिखेंगे, और अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो हम इसमें नो लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंज ऐसे हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रॉ एग टू बॉयल एग, अगर हम एग को बॉयल करते हैं तो बॉयल होने के बाद क्या हम उस बॉयल एग से रॉ एग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें हम नो लिखेंगे। फिर बैटर टू इडली, अगर हम इडली बनाने के लिए, इडली बनाने से पहले हम उसका बैटर तैयार करते हैं इडली का, तो जब हम उसका बैटर तैयार कर लेते हैं तो क्या फिर हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, तो नहीं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी नो होगा। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, अगर भीगा हुआ क्लॉथ को अगर हम सुखा रहे हैं तो क्या फिर से हम उसे भीगा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, तो हाँ उसे हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं भीगा के, तो इसमें यस होगा। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, अगर हमने फाइबर टू फैब्रिक में जाना था कि यार्न जो होता है, वूलन यार्न जिसका हम स्वेटर बनाते हैं, वो नीटिंग प्रोसेस से बनाते हैं, तो जो नीटिंग प्रोसेस से अगर हम स्वेटर बनाते हैं वूलन यार्न का, तो क्या फिर हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, तो हाँ इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी एक धागे को पकड़ के अगर हम खींचेंगे तो पूरे मतलब वो धागे अपने आप निकलते जाएगा वो नीटिंग प्रोसेस में, ऐसे ही हम उसको निकाल सकते हैं, तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो इसमें हम यस लिखेंगे। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, फ्लोर जो जब हम आटे गेहूं को पीस देते हैं फ्लोर बन जाता है, तो क्या फिर उसे हम उसे ग्रेन में बदल सकते हैं, तो ये नहीं, नो होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क से हम हॉट मिल्क में बदल सकते हैं, और हॉट मिल्क से हम फिर उसको कोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये यस होगा, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए क्वाइल्ड स्ट्रिंग, किसी रस्सी के धागे जो सीधा रस्सी का धागा है उसे हम क्वाइल मतलब घुमा के गुच्छा बना के बना सकते हैं, और क्या इसे फिर हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये भी होगा यस, रस्सी के मतलब हम मोड़ भी सकते हैं और फिर सीधा भी कर सकते हैं, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये यस होगा।
फिर है बर्ड टू फ्लावर, फ्लावर से बर्ड से फ्लावर बन गया, कली से फ्लावर बन गया, फिर क्या फ्लावर से कली बन सकता? नहीं बन सकता, तो इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नो होगा। मिल्क टू पनीर, मिल्क से हम पनीर बनाते हैं, तो क्या फिर पनीर से मिल्क हम रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी नो होगा। फिर है काउ डंग टू बायोगैस, काउ की डंग से जो हम बायोगैस बनाते हैं, तो फिर क्या बायोगैस से हम काउ डंग बना सकते हैं, इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका होगा नो, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो रबर बैंड होता है उसे हम स्ट्रेच करते हैं, फिर उसे हम नॉर्मल साइज में ला सकते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद वो रबर जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, वो स्ट्रेच करने के बाद फिर से नॉर्मल साइज में वो आ जाता है, तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, यस। फिर है आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, आइसक्रीम से जब आइसक्रीम मोल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो फिर क्या उसे हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, पिघला हुआ आइसक्रीम को हम फिर से फ्रिज में डाल के फिर से हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इसमें यस होगा। हमने इस टेबल में जाना कि बहुत सारे ऐसे चेंजेज हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो उसमें हम रिवर्सेबल चेंज में उस चेंज को रखेंगे, और बहुत सारे ऐसे चेंजेज हैं जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इररिवर्सेबल चेंज में आता है, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है कूड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज, क्या कोई और तरीका है चेंज लाने का, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। वी हैव ऑल सीन टू टूल विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हम सभी ने देखा होगा कि सॉइल मिट्टी को खोदने के लिए जो टूल का यूज करते हैं वो हम सभी ने देखा होगा। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, आपने कभी देखा कि वो उसमें जो आयरन ब्लेड लगा होता है उस टूल में वो किस तरह से वो वुडन हैंडल में फिक्स होता है वो आयरन ब्लेड। The iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. हम जो वो टूल देखते हैं जिसमें वुडन हैंडल लगा होता है और उसमें आयरन ब्लेड जो होता है वो फिक्स किया रहता है, जिसका यूज हम सॉइल को खोदने के लिए, प्लांट लगाने के लिए करते हैं, तो उसमें हमने देखा होगा कि वो जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का होता है, वुडन का होता है, और उसमें फिक्स किया जाता है आयरन ब्लेड। वो जो आयरन ब्लेड होता है वो हैंडल जिसमें फिक्स किया जाता है वुडन हैंडल का, वो रिंग जो होता है वो स्मॉलर साइज का होता है, वुडन हैंडल के साइज से छोटा होता है, और फिर भी उसमें वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो जो आयरन ब्लेड होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो वो फैल जाता है, उसका साइज जो होता है वो लार्ज हो जाता है, एक्सपेंड करता है। आयरन ब्लेड को जब हम हीट करेंगे तो उसका साइज जो होता है वो एक्सपेंड करता है हीट के कारण, और जब उसमें हम वुडन हैंडल फिक्स कर देंगे और उसके बाद उसको जब हम कोल्ड कर देते हैं, कोल्ड होने के बाद जो आयरन ब्लेड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हीट देने पे वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है आयरन, और जब हम उसे कोल्ड कर देते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, जो हम फिगर में जैसे देख रहे हैं, ये जो टूल है इसका यूज हम वुडन टूल का, जिसका यूज हम सॉइल को खोदने के लिए करते हैं, इसको इसमें आयरन ब्लेड में हम कैसे फिक्स करते हैं, इस आयरन ब्लेड का जो साइज होता है नॉर्मली इस वुडन के साइज से कम होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करके इसमें वो वुडन हैंडल को हम डाल देते हैं और फिर उसे कोल्ड करते हैं, कोल्ड होने के बाद, कूल डाउन होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसमें टाइट से फिट हो जाता है ये हैंडल। इस तरह से हमने जाना कि जो आयरन होता है उसको हीट करने पे वो एक्सपेंड होता है और कोल्ड होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कारण जो ये इसका हैंडल है वुडन हैंडल वो फिट हो जाता है टाइटली। तो फिगर 6.6 में हमने देखा कि जिस टूल का यूज हम सॉइल को डिग करने में करते हैं और बहुत सारे काम में इस टाइप के टूल का हम यूज करते हैं, तो इसमें हम जब वुडन हैंडल फिक्स करते हैं उसके लिए हम इसे एक्सपेंड करते हैं, फिर जब इसमें फिक्स डाल देते हैं उसके बाद उसको हम कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सच ए चेंजेज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शो इन फिगर 6.7। अगेन द मेटल रिम इज मेड ए स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। On heating, the rim expand on fit onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contract and fit tightly onto the wheel. इसमें बताया गया है कि फिगर 6.7 जो एक वुडन व्हील है जिसमें जिसका जो ये है रीम है, मेटल का रीम है जिसमें फिक्स किया गया है वुडन व्हील को, तो वुडन व्हील के साइज से जो ये रिम का साइज हो वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, तो जब इसको इस वुडन व्हील को इसमें फिक्स करना होता है तो इस मेटल रिम को क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है जिससे ये एक्सपेंड होता है, और उसके बाद उसको इसमें डाल के उसको कूल किया जाता है और
जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो वुडन व्हील जो है इस मेटल रिम में फिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम कार्ट व्हील को उसके मेटल रिम में फिक्स कर सकते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन इट बिगेन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन पैन बिगेन टू डिक्रीज। जब हम एक पैन में वाटर लेते हैं और उसको हीट करते हैं, अगर हम बॉयल जब वो होने लगता है तो कुछ देर बाद देखते हैं कि उसमें वाटर का क्वान्टिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे हमने ये हमने पिछले क्लास में भी जाना था कि वाटर का जो वेपराइजेशन होता है वो भी एक क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। वाटर वेप जो वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको वेपर में चेंज करने के लिए उसे बॉयल करते हैं और फिर उस वेपर को कूल करते हैं तो फिर वो वाटर में चेंज हो जाता है। द वाटर चेंज इन टू इट्स वेपर इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व डैट वाटर वेपर गेट चेंज इन टू लिक्विड वाटर वेन इट कूल। जब उस वाटर वेपर को हम कूल करते हैं तो फिर से वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सभी ने आइस को मेल्टिंग होते हुए नोटिस किया होगा। आइस जब मेल्ट होता है व्हेन इट हीटेड, जब उसमें हीट पड़ता है तो वो मेल्ट होता है। व्हाट डज इट चेंज इन टू, इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस। क्या उस वाटर को जो आइस जो मेल्ट होके वाटर में चेंज हो गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या उस वाटर को फिर से हम आइस में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, इसको हम फिर से ठंडा करके फ्रिज में डाल के उस वाटर को फिर से हम आइस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल वाटर का वेपराइजेशन होना या आइस का मेल्टिंग होना, ये सभी किस चेंज में आता है, रिवर्सिबल चेंज में, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। बूझो हैज ऑफ्टेन नोटिस डैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट ए ब्लैक मटेरियल टार फॉर रिपेयरिंग ए रोड। बूझो देखता है, नोटिस करता है कि जो रोड पे वो जब चलता है तो देखता है कि रोड का जो रिपेयरिंग होता रहता है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ब्लैक हीट मटेरियल जो हम टार बोलते हैं उसको हीट करके वो रोड पे उसका रिपेयरिंग कर रहा है। तो वो जानना चाहता है कि जिस मटेरियल को वो हीट कर रहा है क्या उसे चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो हाँ, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जो मटेरियल होता है ब्लैक हीट जिस पे रोड पे हम हीट करके बिछाते हैं, जिसको हम टार बोलते हैं, उसको हम कूल करके फिर सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। तो वो एक रिवर्सेबल चेंज है, उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। जब कंस्ट्रक्शन वर्कर जब रोड का रिपेयरिंग करता है तो उस पे ब्लैक वाला जो मटेरियल होता है उसको हीट करके डालता है, लिक्विड फॉर्म में डालता है। जब वो मटेरियल जिसे हम टार बोलते हैं वो जब कूल ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, फिर उस सॉलिड फॉर्म को हम हीट करके लिक्विड फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। फिर हम आगे देखते हैं। पहेली वांट टू नो इफ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल। ए पीस ऑफ आयरन इज ए हीटेड टिल इट्स बिकम रेड हॉट, इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू ए डिजायर शेप। व्हाट चेंजेस कैन बी टेक प्लेस इन आयरन ऑन बिगिनिंग हीटेड। पहेली जानना चाहती है कि कैसे जो लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन टूल जो बनाता है तो उसको पूरे तरह से पहले हीट करता है, उस आयरन को, आयरन की शीट को हीट करता है तब तक जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। जब वो हीट होता है तो वो क्या होता है, हमने पहले जाना था कि जब आयरन शीट को हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा। जब वो एक्सपेंड होता है, सॉफ्ट होता है, तो उस पर जिस शेप का उसको बनाना रहता है मटेरियल आयरन का, तो उस शेप का उस पर डाल के उस शेप का चेंज कर लिया जाता है उसको कूल करके। तो हमने जाना कि कोई भी आयरन मटेरियल होता है जिसको हम, अगर कोई भी मटेरियल बनाना है उससे आयरन आयरन से, तो उसको हम पहले हीट करेंगे, फिर जब उतना हीट करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो जिस शेप का हम चाहेंगे बनाना उस आयरन का, उस शेप का हम कोई भी मटेरियल, कोई भी टूल्स बना सकते हैं उसको कूल डाउन करके। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 7। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ स्केल। एक स्मॉल कैंडल ले और उसको स्केल से मेजर करें। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस ऑन लाइट इट, और उसे एक सुटेबल प्लेस पे फिक्स करें और उसे जलाएं। लेट्स लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए उसे जलने दें। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर द लेंथ अगेन, और उसके बाद उस कैंडल को बुझा दें, थोड़ी देर के बाद जलने के बाद उसे हम बुझा देंगे, फिर उसका हम लेंथ चेक करेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स, तो क्या इसका जो लेंथ चेंज हुआ उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन पेन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो इसमें जब हम कैंडल एक लेते हैं और उसको जब जलाते हैं तो फिर थोड़ी देर जलने के बाद उसका लेंथ कम हो जाता है,
तो फिर उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एक वैक्स लेते हैं और उसको जब पैन में हीट करते हैं, हीट करने के बाद फिर जब उसे हम कूल करते हैं, तो फिर वो उतना ही होता है जितना जब हम उसे गर्म करने हीट करने के समय करते हैं। तो पैन वैक्स को हीट करना एक रिवर्सिबल चेंज है, जबकि कैंडल जब जलता है, बर्न होता है, तो उसका लेंथ फिर से उतना नहीं हो सकता है, तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जो होता है उसको अगर हम जलाते हैं, जब वो कम्प्लीटली जल जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, राख मिलता है और कुछ गैसेस निकलता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होता है। जब हम पूजा करते हैं तो वो इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, तो इसमें हमें नोटिस करना है कि क्या उस चेंज, जब जलने के बाद उस चेंज को फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो अगरबत्ती है वो जल जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, राख मिलता है और कुछ जो स्मेल होता है, सुगंधित स्मेल वो मिलता है, तो उसके बाद हम फिर से जले हुए इंसेंस स्टिक से हम फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज व्हिच अकर इन द मैच स्टिक यूज टू लाइटनिंग द कैंडल एंड इंसेंस स्टिक। और क्या जिस माचिस से हम कैंडल जलाते हैं, फिर जो अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ भी अगर जलाने के लिए हम माचिस का यूज करते हैं, तो क्या फिर से जला हुआ माचिस से हम नया माचिस बना सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंज अकरिंग इन ए गिवेन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंज डेट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में साल्ट और वाटर को हम एक साथ डिजॉल्व किया है। डू यू थिंक ए चेंज अकर इन साल्ट और वाटर। क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं जब साल्ट और वाटर एक साथ जब हम घोले, तो क्या फिर से उसे हम रिवर्स कर सकते हैं अलग। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। तो हाँ, उस साल्ट और वाटर को फिर से हम अलग अलग कर सकते हैं, ये रिवर्स कर सकते हैं। तो साल्ट और वाटर के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम वेपराइजेशन मेथड से भी हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं या उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये एक रिवर्सेबल चेंज है। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इन इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने चैप्टर 5 में जाना था कि कैसे हम सॉल्यूशन जो होता है वाटर और साल्ट का, उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं वेपराइजेशन मेथड से। सो कैन वी से डैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्व साल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। इसीलिए साल्ट और वाटर का या शुगर और वाटर का जो डिजॉल्विंग जो सॉल्यूशन है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन द कर्ड बींग सेट। पहली पूछती है कि अगर क्या तुमने कभी मिल्क से कर्ड में बदलते देखा है। ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी कर्ड का जब हम वार्म मिल्क में डालते हैं और उसको मिला लेते हैं और कुछ घंटे के लिए उसे कहीं छोड़ देते हैं वार्म प्लेस पे, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि मिल्क जो है वो चेंज हो जाता है कर्ड में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स। क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ये हमने पहले भी क्लास में जाना था कि मिल्क से कर्ड जब बदल जाता है तो उस चेंज को फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते, कर्ड से मिल्क हम नहीं बना सकते, ये एक इरिवर्सिबल। वी फाइंड दैट ए फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some change can be reversed while some other change cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि बहुत सारे ऐसे चेंज हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे चेंज हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। फिर हमने देखा कि कैसे हम कोई भी टूल्स बनाते हैं मेटल का, तो उसको हम हीट करके एक्सपेंड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जब एक्सपेंड करना होता है तो हम उसको हीट करते हैं, फिर कूल करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और किसी भी शेप और साइज में वो चेंज हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम चेंज के बारे में जाना, फिर कुछ की पॉइंट है वो हम देख लेते हैं।
इस चैप्टर का की वर्ड है चेंजेस। चेंजेस के बारे में हमने जाना कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होता है, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, नेचुरल चेंज, ये सब चेंजेस होता है। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बारे में हमने जाना कि कैसे हम मेटल सीट को जब हम एक्सपेंड करना होता है तो उसे हम हीट करते हैं, एक्सपेंशन भी दिया हुआ हीट करने, एक्सपेंशन फैल जाता है, जब हमको उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो मेटल सीट को कूल करते हैं। इवेपोरेशन के बारे में भी हमने जाना कि जब वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है वो गैस फॉर्म में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है आइस का मेल्ट होना, जैसे आइस सॉलिड फॉर्म में है फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे मेल्टिंग कहते हैं। तो आइस का मेल्टिंग होना भी एक रिवर्सिबल चेंज है, वाटर का इवेपोरेशन भी एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जब आइस जो मेल्ट हो जाता है लिक्विड में फिर से उसे हम कूल करने पर फिर से हम उसे आइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब इस चैप्टर का की वर्ड है। तो हमने रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में जाना, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम हीट करके एक्सपेंड करते हैं और जिस शेप में डालना होता है उस शेप में उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको कूल करके, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये सब हमने इस चैप्टर में जाना, चेंजेस अराउंड अस में।